अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वक्त हम कराची बोर्ड एसएससी पार्ट टू क्लास मैट्रिक मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 6 अल्जेब्रिक सेंटेंसेस एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, जिसमें आपने कुछ इक्वेशन सॉल्व करनी होंगी। तो हम सबसे पहले इसमें इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। 6/2x-5 - 4/x-3 = 0। सो यहाँ पे हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के इनका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x-5। डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और देन ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। विच इज़ इक्वल्स टू 0। देन इनका हम आपस में प्रोडक्ट करा देंगे। 6 × x 6x - 6 = 18 - 4 = 8x - (-+) 4 × 5 = 20। और जब डिनोमिनेटर इक्वल के वहाँ गया 0 से मल्टीप्लाई होके, तो 0 × 2x - 5 × x - 3। देन 6x - यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देंगे। 6x - 8x - 18 + 20। देन प्रोडक्ट विद 0 = 0। 6x - 8x = -2x। -18 + 20 = +2 = 0। देन प्लस का 2 जब इक्वल से वहाँ शिफ्ट हुआ तो -2x = -2। देन x = -2/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। देन x = 1। सो हेयर वी हैव द सॉल्यूशन सेट। हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1 द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। 2x - 3/5 विच इज़ इक्वल्स टू x - 2/2। सो यहाँ पे हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, ये इक्वल की उस तरफ जाके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और देन जो इस तरफ डिनोमिनेटर में 5 है वो इक्वल की उस तरफ जाके वहाँ के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस चीज़ को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देन 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 4x - 2 × 3 = 6, 5x - 5 × 2 = 10। देन हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, जैसे कि 4x प्लस का 5x यहाँ शिफ्ट हुआ -5x विच इज़ इक्वल्स टू -10। माइनस का 6 जब इक्वल से यहाँ शिफ्ट हुआ तो +6। 4x - 5x - x विच इज़ इक्वल्स टू -10 + 6 - 4। माइनस से माइनस कैंसिल, x = 4। तो हमारा हैंड सॉल्यूशन सेट जो आया वो आ गया इक्वल्स टू 4 आंसर। अच्छा, देन अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, इसका थर्ड पार्ट। 7x/8 + 3 = 9x/10। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे हमारे पास एलसीएम हो सकता है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 × 7x + 8 × 3 = 24 / 8 × 1 = 8 = 9x/10। देन जब भी इक्वल के इस तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ फ्रैक्शंस हों तो आप इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया करें इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 10 × 7x + 24 विच इज़ इक्वल्स टू 8 × 9x। 10 × 7 = 70x + 10 × 24 = 240 = 8 × 9 = 72x। 70x को इक्वल के वहाँ शिफ्ट कर दें हम तो ये हो जाएगा 72x - 70x विच इज़ इक्वल्स टू 240। 72x - 70 = 2x = 240 x = 240। ये प्रोडक्ट में 2 है, ये आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 2 × 240 विच इज़ इक्वल्स टू 120। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया इज इक्वल्स टू 120 विच इज़ आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 7x - 4/15 + x - 1/3 विच इज़ इक्वल्स टू 3x - 1/5 - 7x 7 + x / 10।
तो अभी हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें इसी तरीके से आप सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि ये जो आप फ्रैक्शन जब भी ऐड और सबट्रैक्ट में होते हैं उनके डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। तो 15 इंटू 3 45, और ये हो जाएगा 3 × 7x माइनस 4 प्लस 15 × x माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 5 × 10 = 50, और ये हो जाएगा 10 × 3x माइनस 1 माइनस 5 × 7 प्लस एक्स। देन अब हम इन ब्रैकेट्स का और इन वैल्यूज़ का आपस में प्रोडक्ट करा देंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ ये कि ये डिनोमिनेटर्स आपस में रिड्यूस हो सकते तो हम इन्हें रिड्यूस कर देते हैं, जैसे कि 5 9s, 5 10s। इससे ये होगा कि आपकी वैल्यूज़ रिड्यूस हो जाने से आपको क्वेश्चंस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़ता और ये सॉल्यूशन ज़्यादा इजी रहता है। तो अब हम इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं वैल्यूज से। 3 7s = 21x माइनस 3 4s = 12 प्लस 15 × x = 15x माइनस 15 1s = 15 अपॉन 9 विच इज़ इक्वल टू 10 × 3 = 30x माइनस 10 1s = 10 माइनस 5 × 7 = 5 7s = 35 माइनस प्लस माइनस 5 × x = 5x अपॉन 10। देन 21x, अब हम यहाँ पे लाइक टर्म्स को सॉल्व कर दे जाएंगे आपस में। 21x प्लस 15x, 21 प्लस 15 ये हो गया 36x, और इसके बाद माइनस 12 माइनस 15 माइनस माइनस प्लस, कभी भी सेम ऑपरेटर्स हों चाहे वो प्लस के हों या माइनस के, वो आपस में वैल्यूज हमेशा सम होती हैं। तो माइनस माइनस प्लस, और ये नेगेटिव 27 हमारे पास आ गया। 12 प्लस 15 27, और दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव का सम भी नेगेटिव नंबर होता है, अपॉन 9 विच इज़ इक्वल्स टू। देन 30x माइनस 10 माइनस 35 माइनस 5x, अब हम यहाँ पे भी लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे। 30x माइनस 5x तो ये हो गया 25x माइनस 10 माइनस 35, दोबारा दो नेगेटिव वैल्यूज तो नेगेटिव का सम भी नेगेटिव नंबर, तो 10 प्लस 35 ये हो गया 45 अपॉन 10। देन अब हम इन्हें डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 10 × 36x माइनस 27 विच इज इक्वल्स टू 9 × 25x माइनस 45। अब ये ब्रैकेट से वैल्यूज मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 36x मल्टीप्लाई 10 360x माइनस 270 विच इज इक्वल्स टू 9 × 25, तो 25 9s हमारे पास हो जाएगा 225x माइनस 9 × 45, देन 9 × 45 हो जाएगा 405। फिर हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, 360 जैसे कि x प्लस का 225 यहाँ आ जाएगा इक्वल के, तो ये माइनस का 225x विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 405, माइनस का 270 वहाँ शिफ्ट हुआ तो प्लस 270, ये प्लस का 270 हो गया हमारे पास। 360x माइनस 225 विच इज़ इक्वल्स टू 135x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 405 270, तो ये हो गया माइनस का 135। x इज इक्वल्स टू माइनस 135 अपॉन 135 x इज इक्वल्स टू माइनस 1, सो हियर हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू माइनस 1 आंसर।